दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप जो किस तरीके से अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जो पुराना तरीका था पैन कार्ड डाउनलोड करने का वो अब बंद हो गया है। अब जो है नया प्रोसेस आया है पैन कार्ड डाउनलोड करने का, तो क्या है नया तरीका डालने के लिए वीडियो को जो है कंटिन्यू देखते रहें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना भूलें, ताकि जब अगली वीडियो हमारी आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन से पहले मिल जाए, जिससे कि आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी के साथ वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अपने मोबाइल में ब्राउजर ओपन कर लें और यहाँ पे लिखा है पैन कार्ड डाउनलोड। ये लिखने के बाद देखे था पहला लिंक हमारा आ जाएगा, गेट ई पैन कार्ड NSDL। अगर आपका पैन कार्ड NSDL से बना है तो आपको जो NSDL वाले पे क्लिक कर देना है। अगर आपका पैन कार्ड जो है UTI से बना है तो आपको जो है UTI वाले लिंक पर क्लिक करना है। और ये आपको किस, आपको अगर नहीं पता किससे बना है तो आपको पैन कार्ड के पीछे देख लेना है कि आपका NSDL से बना है कि UTI से बना है। तो पैन कार्ड के पीछे होता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमें जो है NSDL से बना हुआ है, तो हम जो है NSDL वाले पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर NSDL वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको जो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको जो यहाँ पर दिखेगा। तो इसमें जो है आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है, जो आपका पैन कार्ड नंबर है, और यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है, जो आपका आधार का नंबर है, और यहाँ पर अपना मंथ यानी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है मंथ चुन लें, और यहाँ पर ईयर जो आपका सन है वो चुन लें। और ये इसको खाली छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कंसेंट दे दें और आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करें और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको अगला शो होगा। आप देख रहे पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ से पूछा गया आप जो है OTP किसके थ्रू लेना चाहते हैं, ईमेल आईडी से लेना चाहते हैं, मोबाइल नंबर पे लेना चाहते हैं। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ से चुन लेना है। तो हम जो मोबाइल नंबर लेंगे और कंसेंट देंगे यहाँ पे और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपके पैन कार्ड पर नंबर, मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक जो है OTP आएगा। वो OTP जो आपको यहाँ पर डाल देना है, उसको डालने के बाद जो आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे वैड पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कंटिन्यू विथ ई पैन कार्ड डैशबोर्ड। इस वीक ऊपर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पेमेंट जो करनी है तो ऑनलाइन वाले ऑप्शन को क्लिक कर लें, और यहाँ पे जो आपको 8 रुपये का चार्ज लगेगा। तो आपको जो ये 8 रुपये ऑनलाइन पे करने होंगे, क्योंकि डाउनलोड करने के लिए 8 रुपये लगते हैं। तो यहाँ पर कंसेंट देंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करें नीचे। उसके बाद यहाँ पर करें, अब थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा छोड़ा। अब यहाँ से आ गया है, आप जो है पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं, QR कोड से करना चाहते हैं तो QR पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। QR कोड आ गया है, आपको स्कैन कर लेना है यहाँ से। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने जो पेमेंट करी है उसकी रिसीप्ट यहाँ पे शो हो जाएगी, और नीचे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद जनरेट है प्रिंट, पेमेंट रिसीप्ट मिलेगी आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो स्लिप आ जाएगी आपकी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपने जो पेमेंट करी है उसकी स्लिप आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखने को। आप चाहे तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं होती है, मगर करना चाहते तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर, डाउनलोड ऑफ PDF है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे योर रिक्वेस्ट इन सक्सेसफुल हो चुकी है। तो ये पैन कार्ड जो है आपके जीमेल आईडी पर आपको भेज दिया गया है। अब जो यहाँ से यही नया तरीका है, पहले जो है यहाँ से ही आप इसको डाउनलोड कर लेते थे, मगर अब जो है आपका जो जीमेल आईडी है इस पर, यह आपके जीमेल आईडी पर ही भेज दिया गया है। अब आपको जो है वहीं से डाउनलोड करना होगा। पहले तो जो था आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाता से डाउनलोड करने का, मगर अब नहीं है। अब ये जो है जीमेल आईडी पर आपके पहुंच गया है, तो आपको जो है वहीं से ही डाउनलोड करना है। तो इस जीमेल आईडी पर जाकर हम चेक करते हैं, फिर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आ गए हम जीमेल आईडी पर, और ये हमारा शो कर रहा है, ये रिसीप है हमारी जो हमें डाउनलोड करी है। और यहाँ पर जो देख सकते हैं PDF में यहाँ पर दे रखा है हमारा पैन कार्ड है ये वाला। तो इसके ऊपर जो हम क्लिक करेंगे, PDF वाला डाउनलोड ऑप्शन दे रखा है नीचे, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए जो है यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड मांगा जाएगा। तो पासवर्ड जो है आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा फुल, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह डालते हैं उसी तरीके से बिना स्पेस दिए आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है बिना स्पेस के। उसके बाद जो भरने के बाद आपको ऑप्शन मिला सबमिट का, उस पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं इस तरीके का आपको जो है आपका पैन कार्ड शो हो जाएगा। तो यही नया तरीका है इसे डाउनलोड करने का। तो इसी तरीके से ये जो है डाउनलोड होगा। पहले क्या होता था हमारा, हम जैसे वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करते थे वहीं हमें ऑप्शन मिल जाता इसे डाउनलोड करने का, तो हो जाता था। मगर अब ये है सिस्टम चेंज कर दिया गया है,
अब जो हमारा कोई भी अगर हम पैन कार्ड डाउनलोड करेंगे तो हमारा पैन कार्ड जो जीमेल आईडी पर मैसेज आएगा, आपको जो है जीमेल आईडी से ही आपका पैन कार्ड डाउनलोड होगा। पुराना तरीका जो है बंद हो गया है, यही नया तरीका है। चाहे आपका पैन कार्ड NSDL से बना हो या UTI से बना हो, इसी तरीके से ही दोनों ही आपके डाउनलोड होंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। आप लोगों को जो वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि जब अगली वीडियो हमारी आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।